हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ फॉरेन वर्ड्स पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. फॉरेन वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि फॉरेन वर्ड्स पढ़ाया जाए. सो आज हम फॉरेन वर्ड्स पढ़ेंगे. इसमें मैंने 30 फॉरेन वर्ड्स रखे हैं. आप अपना वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके कितने इसमें सही हुए हैं फॉरेन वर्ड्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास का फर्स्ट जो वर्ड है हमारा फॉरेन वर्ड्स है आला मोड. क्या है आला मोड? आला मोड मीन्स क्या होता है? आला मोड मतलब होता है कोई चीज़ फैशनेबल, जिसे बोल सकते हैं प्रचलन में कोई चीज़ होना. किस में होना? प्रचलन में कोई चीज़ होना, यानी कि फैशनेबल. आपके ऑप्शन में है इन फैशन, फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, एम्पेरिकल, सेल्फ एविडेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो हमें क्या बताना है आला मोड का? हमको मीनिंग बताना है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, इन फैशन. ओके, आला मोड मतलब क्या होता है? प्रचलन में कोई चीज़, फैशनेबल, इन फैशन. नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है? पास्टीरियोरी. अपास्टीरियोरी. अपास्टीरियोरी मतलब क्या होता है? अपास्टीरियोरी मतलब होता है अनुभाविक, यानी कि प्रयोग सिद्ध, जिसे हम बोल सकते हैं प्रयोग सिद्ध या अनुभाविक, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वॉल्विंग रीजनिंग फ्रॉम फैक्ट्स. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन में है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, या फिर एम्पेरिकल, फ्रॉम एंशियंट टाइम विदाउट एंड आर लिमिट फॉर एवर. बताना है इसमें कौन सा आपका सही है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एम्पेरिकल. एम्पेरिकल मतलब ये होता है अनुभाविक, प्रयोग सिद्ध. ओके, पोस्टीरियोरी. नेक्स्ट, इसको बस आप रट्टा ही मार लो तो ज़्यादा ये अच्छा है, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है. इसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि ज़्यादा पूछने जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना ही पड़ना है, है ना. नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अप्रायोरी. अप्रायोरी देखो प्रायर से क्या बना है? प्रायोरी. अप्रायोरी मतलब क्या होता है? प्राथमिकता या पहले से, या फिर आप इसको बोल सकते हैं तर्कपूर्ण ढंग से. ऑप्शन में है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, विदाउट एंड आर लिमिट फॉर एवर, सेल्फ एविडेंट, डिडक्टिवली रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट. तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा. सेल्फ एविडेंट हो सकता है, डिडक्टिवली यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से, ये रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट. ओके, कोई चीज़ तर्कपूर्ण ढंग से करना, प्रायोरी जो आपका है, प्रायोरी यानी कि ये एक लैटिन है, ये एक लैटिन वर्ड, अगर इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, लैटिन वर्ड है. इसका मतलब होता है फ्रॉम द फॉर्मर, यानी कि पहले से कोई चीज़ है. लाइंस ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पे? जैसे लाइंस ऑफ रीजनिंग या फिर आर्गुमेंट, कोई भी रीजनिंग, कोई तर्क की लाइन या फिर आर्गुमेंट की लाइन, दैट प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू द पर्टिकुलर, आर फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट. या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं डिडक्टिवली, तर्कपूर्ण ढंग से कोई काम करना, प्रायोरी, प्राथमिकता. कई मीनिंग हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है एब इनिशियो. एब इनिशियो को बताना है, एब इनिशियो का क्या मतलब है, ये चीज़ हमें बतानी है. एब इनिशियो, तो एब इनिशियो का क्या मतलब है? शुरुआत से, जो कोई चीज़ शुरुआत से, बहुत ही शुरुआत से, फ्रॉम द स्टार्ट, जिसे बोल सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से कोई चीज़ शुरू करना. यहाँ पे राइट आंसर आपके ऑप्शन में है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एट प्लेजर, एज मच एज वन प्लीज, इन द मीन टाइम, इन बिटवीन. तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. एब इनिशियो. एब इनिशियो मतलब क्या होता है? एब इनिशियो का जो मतलब है, ये भी एक क्या है, लैटिन टर्म है. ये भी एक लैटिन टर्म है एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग या फिर फ्रॉम इंसेप्शन. एब इनिशियो का जो यूज़ किया जाता है वो इंडिकेट दैट सम फैक्ट एग्जिस्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेलेवेंट टाइम पीरियड. ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट 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 वर्ड आपका क्या है? एब ओरिजिन. एब ओरिजिन है, एब ओरिजिन मतलब क्या होता है?
ऐप ओरिजिन, मतलब ओरिजिन होना, किसी चीज़ की वर्जिन होना, शुरुआत होना, यहाँ पे भी माना जाता है, लेकिन वो शुरुआत नहीं है, वर्जिन होना, किसी चीज़ को निकालना, वर्जिन होना उस चीज़ का, ये चीज़ें हमें बतानी है। ऐब ओरिजिन है, इसका क्या मतलब होता है। आपके ऑप्शन में है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एट प्लेजर, एज मच वन प्लेस, इन द मेन टाइम, इन बिटवीन। तो ऐब ओरिजिनो मतलब भी होता है फ्रॉम द सोर्स और ओरिजिन, फ्रॉम द सोर्स, किसी चीज़ का कहीं से लिया गया सोर्स हो, मतलब सोर्स जो होता है, या फिर ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई, कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो राइट आंसर ए ही हो जाएगा, फ्रॉम द ओरिजिन, ये कहाँ से निकला है। ओके, इसको अगर ऐसा बोले, ये चीज़ें कहाँ से निकली, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ऐब ओरिजिन है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एड एंटिक्यो, एंटिक्यो, एड एंटिक्यो का क्या मतलब है, ये चीज़ें हमें बतानी है। एड एंटिक्यो, तो एड एंटिक्यो का क्या मतलब होता है, ये इसका ये मतलब होता है कि प्राचीन समय से कोई चीज़ आ रही हो, प्राचीन समय से, आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्राचीन समय से, या प्राचीन समय ओनली आप इतना ही याद रख सकते हैं, तभी आप याद रखेंगे। एड एंटिक्यो यानी कि प्राचीन समय से। आपके ऑप्शन में है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, विदाउट एंड आर लिमिट, फॉर एवर, फॉर इफ, फ्रॉम एंशियंट टाइम, इन द मेन टाइम, इन बिटवीन। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्रॉम एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से। ओके, नेक्स्ट अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, इसलिए मैं आंसर बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एड इन्फिनाइटम, एड इन्फिनाइटम, एड इन्फिनाइटम मतलब क्या होता है, हमेशा, सदा के लिए, क्या होता है, सदा के लिए, या फिर इसको ऑलवेज बोल सकते हैं, ऑलवेज, सदा के लिए, ऑलवेज, एवर एंड एवर, एवर एंड एवर बोल सकते हैं। ओके, फॉर ऑल टाइम, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे दिया वही, आप इसकी बस हिंदी इसका समझ के रखिए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एवर मोर भी आ सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, एवर मोर, एवर मोर भी आ सकता है। ओके, ऑलवेज हो गया, एवर एंड एवर, फॉर एवर, एवर मोर, फॉर ऑल टाइम, तो इसका मतलब होता है सदा के लिए कोई चीज़। एड एड इन्फिनाइटम, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ही बना इनफाइनाइटम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विदाउट एंड अ लिमिट, फॉर एवर। यहाँ पे कन्फ्यूज में, यहाँ पे ईव है, यहाँ पे एवर है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, विदाउट एंड अ लिमिट, फॉर एवर। ध्यान से देख के ही अपना आंसर चूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एड इंटरम, एड इंटरम का क्या मतलब है, ये चीज़ बतानी है। एड इंटरम मतलब होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, इन द मेन टाइम, इन बिटवीन, सेल्फ एविडेंट, डिडक्टिवली, वही सब है, तो बीच में है, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इन द मेन टाइम यानी कि इन बिटवीन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका एड, नेक्स्ट वर्ड है आपका एड लिबिटम, एड एड लिबिटम, एड लिबिटम मतलब होता है आनंद से, जितना चाहे उतना, आनंद से कोई चीज, कोई चीज़ आनंद से जितना चाहे उतना ले सकता है, तो एड लिबिटम। अब के ऑप्शन में है वर्ड बाय वर्ड, इन द मीन टाइम, एट प्लेजर, एज मच वन प्लीजेस, अरेंज फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस, टेम्प्ररी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एट प्लेजर, एज मच एज वन प्लीजेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है एड एड वलोरम, एड वलोरम क्या है इसका बताना है। तो एड वलोरम क्या होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन टर्म है, एड वलोरम एक लैटिन टर्म है, इम्पॉर्टेंट है ये, जिसका मतलब होता है मूल्य अनुसार, क्या होता है, मूल्य अनुसार, जिसका क्या मतलब होता है, मूल्य अनुसार, मतलब जब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, कोई भी चीज़ रहता है, मूल्य अनुसार मतलब होता है।
किसी भी वस्तु पर, मतलब क्या होता है मूल्य अनुसार, एड वैलोरम मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है तो उसे एड वैलोरम टैक्स कहते हैं, यानी कि मूल्य अनुसार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एड वैलोरम का अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, बी सही है आपका, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ये ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम लिखा हुआ है तो गलत मत करिएगा। नेक्स्ट एडवर्बम मतलब क्या होता है, प्रति शब्द, यानी कि एक एक शब्द करके समझाना, एडवर्बम कहते हैं कि एडवर्बम करके हमको एक्सप्लेन करिए, यानी कि एक एक शब्द करके हमको एक्सप्लेन करिए। ऑप्शन में है वर्ड बाय वर्ड, अरेंज फॉर द टाइम बीइंग, पर्पस अ लव अफेयर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द। ओके, एडवर्बम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एडहॉक, ADHOC, एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या होता है, अनौपचारिक या फिर अस्थाई बोल सकते हैं, अस्थाई, अनौपचारिक, अस्थाई, एडहॉक। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, अरेंज फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस, या फिर आपका टेम्परेरी, अरेंज पर्पस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अरेंज फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस, टेम्परेरी। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, अफेयर डेमोर मतलब क्या होता है, आपके ऑप्शन में है लव अफेयर, हेट, फैशन, डिस्टेंस, तो क्या होता है, प्रेम प्रसंग। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, अ लव अफेयर। नेक्स्ट आइड, तो ये क्या है, एड मीन्स क्या होता है, सहायता, हेल्प। ओके, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है हेल्पर, हेटर, लायर, एनिमी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड का हेल्पर। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्पर। कहीं कहीं आपका एड का भी आता है, ओके, कॉनकर्स, असिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, असिस्टेंस। खैर यहाँ पे हम फॉरेन वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हेल्पर हो जाएगा, एड का। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्मा मेटर। अल्मा मेटर मीन्स क्या होता है, मातृ संस्था। ऑप्शन में है वंस फादर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वंस मदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या वंस सिस्टर एजुकेशनल सिस्टम, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है या भी ब्रदर है, ये चीज़ें बतानी है। तो अल्मा मेटर मतलब होता है मातृ संस्था, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, वंस मदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। हमें बताना है अल्टर ईगो का क्या मतलब है, अल्टर ईगो मीन्स क्या होता है, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑन वंस अदर सेल्फ, बॉसम फ्रेंड, टेम्परेरी फ्रेंड, लव, या फ्रेंड, ओनली फ्रेंड। अल्टर ईगो का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें बतानी है। तो अल्टर ईगो मतलब होता है प्यारा दोस्त। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, वंस अदर सेल्फ, एक मीनिंग हो गया बॉसम फ्रेंड, यानी कि प्यारा दोस्त। ओके, नेक्स्ट है आपका एलुमनी का हमें बताना है, एलुमनी मतलब होता है पूर्व छात्र, क्या होता है, पूर्व छात्र, जो एक्स स्टूडेंट होते हैं, एक्स प्यूपल्स होते हैं। ऑप्शन में बताई दिया है स्नेक इन द ग्रास, एक्स प्यूपल्स, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक्स प्यूपल्स। नेक्स्ट
एंग्विस इन हर्बा, एंग्विस इन हर्बा, इसका क्या मतलब होता है? आस्तीन का सांप होना, इसका क्या मतलब होता है? आस्तीन का सांप होना, होना, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या है? स्नेक इन द हाउस, दूसरा है स्नेक इन द होल, स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द वाटर, आस्तीन का सांप होना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्नेक इन द ग्रास, अरे सॉरी, स्नेक इन द हाउस। यहाँ पे ग्रास भी है बट इसको काट देते हैं, एक ही पे ऑप्शन चलते हैं, स्नेक इन द हाउस। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एनस मिराबिल्स, अनस मिराबिल्स, मिराबिल्स, अनस मिराबिल्स का बताना है कि क्या होता है। एनस मिराबिल्स मतलब होता है यादगार, यादगार शुभ वर्ष। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन में है वो आपका हो जाएगा ईयर ऑफ वंडर्स, ग्रेट अचीवमेंट या फिर डिजास्ट्रस। ओके, यादगार शुभ वर्ष होता है, रिमार्कबल ऑस्पिशियस ईयर ये बोल सकते हैं, रिमार्कबल ऑस्पिशियस ईयर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंटेमेरिडियम, मेरेडियम, एंटेमेरिडियम, एंटेमेरिडियम मतलब क्या होता है? दोपहर से पहले, दोपहर से पहले मतलब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि एएम, उसे बोलते हैं एंटेमेरिडियम। तो आपके ऑप्शन में है आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, बिटवीन मिडनाइट एंड नून, वर्ड बाय वर्ड द वर्ड ऑफ फैशन। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, बिटवीन मिडनाइट एंड नून, आधी रात से दोपहर के बीच, उसे बोलते हैं एंटेमेरिडियम। नेक्स्ट, आर्ट्स लॉन्गा वीटा ब्रेविस, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब होंगे, आर्ट्स लॉन्गा वीटा ब्रेविस, इसका क्या मतलब है? यानी कि क्या है? आर्ट इज़ लॉन्ग और मतलब ज़िंदगी छोटी है, आर्ट क्या है? कला जो है वो लंबा है और ज़िंदगी जो है वो छोटी है। तो बी इज करेक्ट हो जाएगा, आर्ट इज़ लॉन्ग लाइफ इज़ शॉर्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड मतलब, एवेंट गार्ड मतलब होता है समय से पहले, समय से पहले, या फिर आप बोल सकते हैं अग्रणी, यानी कि पायनियरिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है द वर्ल्ड ऑफ फैशन, द वर्ल्ड ऑफ फैशन, अहेड ऑफ टाइम्स यानी कि पायनियरिंग, फाइन लिटरेचर, लव लेटर्स। तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे, अहेड ऑफ टाइम्स, दो दो मीनिंग दिखाता है इसमें। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ही नहीं है, बियोमोंडे, बियोमोंडे, बियोमोंडे का क्या मतलब होता है? ये चीज़ें बतानी है हमें, बियोमोंडे, बियोमोंडे मतलब होता है खूबसूरत दुनिया, खूबसूरत दुनिया। तो यहाँ पे एक ही है, द वर्ल्ड ऑफ फैशन, तब फैशन की दुनिया, खूबसूरत दुनिया, बियोमोंडे, एक ही था यहाँ पे, ऑप्शन है ही नहीं है। नेक्स्ट, बेलस लेटर्स, बेलस लेटर्स मतलब क्या होता है ये बताना है, मतलब सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, फाइन लिटरेचर, अहेड ऑफ टाइम्स, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, या बिटवीन मिडनाइट एंड नून, तो फाइन लिटरेचर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये सब मैंने कम्युनिटी में पूछ लिया है। बिलेट डॉग्स, बिलेट डॉग्स को मुझे बताना है, बिलेट डॉग्स मतलब क्या होता है? प्रेम पत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लव लेटर्स, इजी है ये सब। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बिजार, बिजार, बिजार मतलब क्या होता है ये चीज़ें बतानी है। तो बिजार मतलब होता है अजनबी या अजीब, अजीब, इसे आप स्ट्रेंज बोल सकते हैं, ये मीनिंग में भी पूछा जाता है, स्ट्रेंज बोल सकते हैं,
एक्सेंट्रिक बोल सकते हैं, यानी कि सन की ग्रोटेस्क, ये सारे हैं बिजारे, अजीब या अजनबी, स्ट्रेंज। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, एक्सेंट्रिक ग्रोटेस्क। नेक्स्ट वर्ड है बॉन एम आई, बॉन एमी, एम आई बोल सकते हैं, एमी, बॉन एमी, बॉन एमी मतलब क्या होता है, अच्छा दोस्त, क्या होता है, अच्छा दोस्त, तो गुड फ्रेंड। आपके भी, आप लोग को भी तो अच्छे दोस्त होंगे ना, आज से आप लोग यही बोलिएगा, गुड फ्रेंड नहीं बोलिएगा, उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, बॉन एमी, आप मेरे बॉन एमी हो। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके अच्छे दोस्त कौन है। नेक्स्ट वर्ड है बोन वेज, बोन वेज, बोन वेज मतलब क्या होता है, तो बोन वेज मतलब यात्रा शुभ हो, मतलब आपकी यात्रा शानदार हो या यात्रा शुभ हो, यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा शानदार हो, अ गुड वेज टू यू। नेक्स्ट है बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब क्या होता है, बोनाफाइड मतलब होता है प्रमाणिक, सच्चा, है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जेन्युइन, सिंसेयर, इन गुड फेथ, मतलब जो पर्सन जेन्युइन हो या सिंसेयर हो या इन गुड फेथ का हो, उसे क्या बोलते हैं, बोनाफाइड कहते हैं, सच्चा, प्रमाणिक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वर्ड है आज का बोनसाई, बोनसाई का बताना है, बोनसाई क्या होता है, ये काट दिया जाए, यहाँ पे इसको काट दिया जाए, बस इतना बताना है, बोनसाई, बोनसाई मतलब क्या होता है, तो बोनसाई मतलब होता है जो छोटे छोटे वृक्षों की खेती करते हैं उन्हें बोलते हैं बोनसाई, मतलब छोटे छोटे वृक्षों की खेती करना, लघु वृक्षों की खेती करना, तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ मिनिएचर ट्रीज, बोनसाई। ओके तो स्टूडेंट ये थे 30 आपके फॉरेन वर्ड्स, आप लोग की डिमांड पे ये लाया गया है क्योंकि आप लोग कह रहे थे करने कराने के लिए, सो इसको देख लेते हैं, जितना भी रहेगा उतना मैं करा दूंगी, आज हमने सिर्फ 30 ही रखा था क्योंकि ज़्यादा लेंदी करने की वीडियो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 ही बहुत ही है, बहुत है एक वीडियो में। तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, आपका इसमें कितना सही हुआ है, 30 है, कितना आपने सही किया है, अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ओके मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग का फॉरेन वर्ड कितना सही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।